So guys, as you can see, we all three are ready. This is Thunderbird 350 Sangam. Hey. All set. Kartik, Avenger 220 and my baby. So guys, we are all set to leave for Lansdowne. This is basically, we are in Rajnagar. And this is the Meerut road that we have to take. And everything is set up. Okay. After a very long time, guys, I finally managed the ride. And after so much of lots of work in my office and everything, and I'm finally going to one of the beautiful places in Uttarakhand, and that is Lansdowne. So guys, this is the Meerut road, and we have to go straight on this road. Now it's almost 2:15 in the afternoon. I know we guys have started a late, but sometimes kya hota hai ki problems और सारी चीज़ें मैनेज एक साथ हो जाएं, ऐसा होता नहीं है. प्रॉब्लम ये थी कि सो गाइस, प्रॉब्लम ये थी कि संगम की बाइक थंडरबर्ड 350 जो अभी आपने देखी, बाइक वॉज हैविंग सम इशू ऑन द फ्रंट डिस्क, बेसिकली फ्रंट डिस्क ब्रेक्स. सो 9 बजे शॉप खुली, उसने ठीक करवाया, होते होते 11-12 बज गए. सो नाउ वी आर हेयर. I have started my journey from Noida, but I thought to shoot from here because I was alone at that time. और अभी हम तीनों हैं. So guys, we three are going to explore the beautiful Lansdowne. That's one of the beautiful illustrations in Uttarakhand, as you already know. So Lansdowne is almost 250 kilometers from this place, or from you can say Ghaziabad or Noida. So 250 kilometers, we'll be trying to cover this distance in 6 hours. अभी गर्मी थोड़ी थोड़ी है. आज 1 अक्टूबर है, संडे का दिन है. कल मंडे है, 2 अक्टूबर, सबको छुट्टी है. सैटरडे का प्लान बना था, बट वो नहीं हो पाया, तो आज संडे का प्लान बन गया. तो हम लोग निकल रहे हैं और हम शाम तक पहुंच जाएंगे. सो लैंसडाउन ट्राइंग टू कवर इन 6 आवर्स, डिस्टेंस इज 250 किलोमीटर्स. वी आर 3 राइडर्स, मी, संगम एंड कार्तिक. दे बोथ आर न्यू टू यू टू थंडरबर्ड 350 एंड वेन अवेंजर स्ट्रीट 220. ट्रैफिक जाम. ओ राम से भाई. इफ यू वॉन्ट टू गो टू देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, मसूरी, एंड दैट इज द रोड, एंड वी हैव टेकन अ राइट फ्रॉम दैट रोड, एंड दिस इज रोड इज नाउ गोइंग टू लैंसडाउन. सो दिस कट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अभी मैं खुद आगे चला गया, 5 मिनट मुझे लगे वापस आने में. सो दैट वॉज द रोड. सो ये जो कट है, आपको जब आपको वो बोर्ड दिखेगा कि मुजफ्फरनगर में आपका स्वागत है, उसके नेक्स्ट जो वो कट आएगा वहाँ से आपको राइट होना है. सो नाउ दिस रोड इज गोइंग टू लैंसडाउन. सो नाउ हैव टू रिफ्यूल. वो थोड़ा आगे चले गए हैं, लेट्स सी कितना आगे. कार्ड से हो जाएगा, 500 का डाल दो. क्या आप देख सकते हैं कि रोड बहुत ही प्यारी आ गई है. पेड़ ही पेड़, आगे पीछे दाएं बाएं. सो गाइस, द रोड इज बेटर नाउ, द व्यूज आर बेटर. बट ये जो बीच में जो ट्रैफिक आ जाता ना, ये सब गंदा देता है. अभी यहाँ पे टेम्परेचर भी थोड़ा सा कम हुआ लग रहा है मेरे को. थोड़ा सा ड्रॉप हुआ टेम्परेचर में भी, और एवरीथिंग इज गोइंग फाइन नाउ. द रोड्स आर सो वंडरफुल. रोड सर इतनी वंडरफुल नहीं है, बट जो व्यू वो अच्छा है. पूरा ही पेड़ आगे पीछे. तो लैंसडाउन बेसिकली लोग इसीलिए जाते हैं, वहाँ पे सीनिक ब्यूटी बहुत अच्छी है. रोड ट्रिप है बेसिकली ये. So we have reached Bijnor, and from here Lansdowne is almost 70 kilometers. This is the Bijnor market. So guys, now we are just 25 kilometers from Lansdowne. और अभी ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस है और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग लग रहा है. ठंड काफ़ी अच्छी तरह से खासी हो रही है यहाँ पे. अच्छा लग रहा है बाइक चला के.
बहुत ही छोटी रोड है ये, कल दिन में दिखाऊंगा अच्छी तरह ये। इट्स अ नाइस एक्सपीरियंस टू राइड ऑन दीज रोड्स इन द नाइट। अभी देखते हैं, अभी रूम की सर्च भी नहीं की हम लोगों ने, हम तो सीधा बस ऐसे ही निकल पड़े। रॉ प्लान बनते हैं हमेशा हमारे, एक्सेप्ट लद्दाख। लद्दाख का बिल्कुल प्लान था कि वो ऑफकोर्स बड़ा टूर है। अब ये 250-300 किलोमीटर वाले तो रॉ प्लान ही होते हैं, एकदम से बनाए और एकदम से चल पड़े। ये पहाड़ अच्छे हैं, पर ड्राइव कॉशियसली हियर इफ यू आर प्लानिंग टू कम टू लैंसडाउन। आई विल गेट बैक टू गाइस। ओके गाइस, सो नाउ वी आर लीविंग फ्रॉम दिस मूनलाइट होटल। एज यू कैन क्लियरली सी, इट्स 11 AM इन द मॉर्निंग। संगम कार्तिक, वी ऑल आर रेडी। थैंक यू गौरव, थैंक यू सो मच फॉर योर हॉस्पिटैलिटी। चलो, नाउ द प्लान इज, फर्स्टली वील बी गोइंग टू लैंसडाउन, बिकॉज अभी लैंसडाउन इज जस्ट 4-5 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर। एंड कल रात को बहुत लेट पहुँचे, रूम नहीं मिल रहा था। वी ट्राई टू गेट अ गुड रूम, बट यू नो, छोटे से रूम में काम चलाया। अभी लैंसडाउन हार्डली 4 या 5 किलोमीटर है। वंडरफुल ब्यूटी ऑफ लैंसडाउन, द वेदर इज गुड। आफ्टर 4-5 किलोमीटर्स विल बी टेकिंग आवर ब्रेकफास्ट। हार्टेडली थैंक यू टू मूनलाइट होटल, बिकॉज इनकी वजह से हमें रूम मिला। बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे रात को, इट वॉज ऑलमोस्ट 11 व्हेन वी गॉट द रूम, बट हेयर इट्स वंडरफुल मैन। बट लुक एट दोज ब्यूटिफुल बिल्डिंग्स ओवर द माउंटेन्स। टेम्परेचर हेयर इज ऑलमोस्ट 22-23 राइट नाउ, बट रात को जब हमने वी नोटिस, इट वॉज अराउंड 17। सो इफ यू आर प्लानिंग टू कम हेयर, पर्टिकुलरली ऑन विंटर सीजन, प्रिपेयर योर सेल्फ अकॉर्डिंगली, बिकॉज ठंड होती है यहाँ पे और अच्छी खासी है। इस टाइम भी लग रही है हल्की हल्की, बट अच्छा लग रहा है, सूदिंग है इस टाइम। इट्स अ नाइस हिल स्टेशन, वाओ, ब्यूटिफुल ट्रीज। आई थिंक वी नीड टू टेक, दिस इज अ रिसिप्ट। तीन, सो गाइज देर इज अ 10 rupees रिसिप्ट as you are entering this hill station. Indian Army serving Gadwal Rifles. So guys, we have reached tip and top. Kar rahe. This is the tip and top of Lansdowne. So guys, 5 rupees yahan pe per ticket hai. Pehle wahan pe 10 rupees di thi for entering the Lansdowne, and this is 5 rupees ticket per vehicle. Ye 4-wheeler ka kitna? 4-wheeler ka 20. So 2-wheeler bikes ka 5 rupees and 4-wheelers ka 20. So guys, we have reached tip and top. ये बहुत ही, यहाँ से अच्छा व्यू है लैंसडाउन का, बहुत ही ऑसम व्यू है। और नाउ वी हैव ऑर्डर्ड मैगी ऑमलेट एंड कुछ चाय, जैसे ही वो आता है कुछ खाते हैं। और बहुत भूख लग रही है, सुबह से कुछ भी नहीं खाया। अभी कार्तिक से हो गया बिल्कुल, जैसे शूट चल रहा है बिल्कुल उधर ही तेरा बोल लो कुछ। सबसे बढ़िया बात जो है, आपको साफ़ सफाई मिलेगी, और आर्मी ने बहुत बढ़िया मेंटेन कर रखा है, बहुत डिसिप्लिन जगह है, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। और मतलब आप यहाँ पे 1-2 दिन, मतलब इट्स लाइक अ वीकेंड ट्रिप, बहुत सही है। और दिल्ली वालों के लिए तो बेस्ट जगह है, दिल्ली उत्तराखंड यूपी के जो लोग हैं, चंडीगढ़ के जो लोग हैं, वो यहाँ पर आराम से आए और अपना स्टे करें। बस ये मैं आपको कहूंगा कि अपने यहाँ पर आने से पहले स्टे पक्का करो, क्योंकि हमारा बहुत गंदी तरह कटा था रात को, दैट इज राइट। क्योंकि रात को हमें ऑलमोस्ट 11:30 वी गॉट द रूम, एंड उसके बाद जो रूम मिला उसकी इतनी बुरी कंडीशन थी कि हम व्लॉग ही नहीं कर पाए हमें। सो अभी वी हैव ऑर्डर्ड ऑमलेट एंड मैगी एंड चाय, सो अभी जैसे आते हैं वी विल हैव समथिंग एंड टिल देन स्टे ट्यून्ड। और उसके साथ साथ वी आर गोइंग ऑन दिस वे
आई थिंक टिप एंड टॉप जो हो पीक पहले मैंने आपको दिखाया था, तो कुछ टॉप पे जाने का चांस है होपफुली। रास्ता तो मुझे पता नहीं, संगम इज गोइंग देयर एज यू कैन सी। सो गाइस नाउ वी हैव रीच्ड द टिप एंड टॉप, द व्यू पॉइंट। ओहो दैट इज सो फैबुलस हियर, दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ लैंडस्टोन। That is so simply awesome, beautiful, amazing. This is the road from where we came, and this is the top of this picturesque view. Okay, so now we are leaving from this tip and top. ये हमारे ग्रुप का सबसे ऑसम बंदा है, ऑसम बंदा और सबसे फनी, सबसे बड़ा बकचोद। और ये बकचोदी चलती रहेगी, सुपर बकचोद। ये सुपर है ग्रुप का, ग्रुप तीन का, ग्रुप का सुपर बकचोद झुंड का। So guys, we saw a very beautiful view from that point. And now we are heading towards our rides and bikes. Where are we heading? Towards our bike. This is the sunset point actually. ये वाला जहाँ पे हम वहाँ थे, तो वो गाइस सनसेट पॉइंट था। और यहाँ पर आकर आप गाना गाओ सूरज हुआ मध्यम, आगे आपको पता ही। प्लीज बाय बाय। सो गाइस दिस इज द वॉर मेमोरियल in the Lansdowne area. It's one of the calm and so beautiful places. Sangrale tourists are here. This is so calm and so peaceful environment. This is the parade ground, there it is. I'll show you from the top. Now we are going to the museum. This is the way to museum. This is the Darwan Singh Sangrahalay Sangam Karthik. So guys, camera is not allowed inside the museum. So you all three will be going to museum and we'll come back and then we'll talk. What a beautiful building this is. So guys, now we are leaving from this war memorial and camera was not allowed inside, so andar nahi le paaye. Let's see kahan jaate hain, maybe church ya fir lake. This is the parade ground of the Indian Army. Wonderful view to watch. Beautiful. What's up? Teasing up. आवाज सुन रहे हो? आपको गढ़वाल राइफल्स का हाँ कार्तिक, यू हैव सम इंफॉर्मेशन अबाउट गढ़वाल राइफल्स, कैन यू प्लीज टेल अस? गढ़वाल राइफल्स जो है मैं आपको गढ़वाल राइफल्स का मोटो बता देता हूँ। फाइट विद डिटर्मिनेशन इज द मोटो ऑफ गढ़वाल राइफल्स। ओके। और राजपूताना राइफल्स का मुझे बहुत पसंद है, वीर भोग्य वसुंधरा, इसका मतलब ब्रेव शैल इनहेरिट द अर्थ। ओहो। वी हैव रीच्ड दिस भूला ताल। दिस लेक इज सो ब्यूटिफुल, फ्रॉम हेयर ऑल्सो आई कैन सी दिस इज द एंट्री। संगम एंड कार्तिक आर गोइंग। This is a ticket counter. You have to take ticket for boating or probably or maybe for entry also. So Sangam has taken a ticket.
₹20 per individual. And if you want to do boating, then it would charge ₹80 per head. Okay guys, now so we are leaving for Delhi back because we thought to stay here, but it was not looking feasible right now because it's 5 p.m. in the evening, and we have done 310 kilometers. Oh ho! Side by side by side by.